आलू ले लो। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आपके मुझे मिलते हैं कि लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स से तो मैं बहुत सारे वीडियो बनाता हूं लेकिन एक्सेसरीज को लेके वीडियो नहीं बनाता। ऐसे में लैपकेयर ब्रांड ने काफी सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास भेजे हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप एक्सेसरीज के। इन सभी की क्विक अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और मेरे पास ऑलरेडी ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट हैं तो मैं इन सभी का गिव अवे भी करने वाला हूं। बस आपको सिंपल सा काम करना है, पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक और मुझे बताना है कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। डिटेल में नीचे लिखना, सभी के कमेंट्स में पढ़ने वाला हूं और उनमें से सिलेक्ट करके सभी को एक एक प्रोडक्ट जो है वो गिव अवे करने वाला हूं। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है और शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ। ये है यूएसबी हब 3.0। केबल की क्वालिटी की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग केबल है, 1 फीट के आसपास की लेंथ है और साथ में आपको 4 USB 3.0 Type A के पोर्ट देखने को मिलेंगे। डेटा ट्रांसफर रेट यहाँ पर आपको 5 GBPS तक का देखने को मिलने वाला है। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो मैक और विंडोज दोनों के अंदर मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली। और वैसे भी आजकल लैपटॉप्स के अंदर पोर्ट्स इतने कम होते जा रहे हैं, डेफिनेटली एक काफी सही प्रोडक्ट है अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप बाय कर रहे हैं। कीमत की बात करूं तो ये यूएसबी हब 3.0 आपको 1000 रुपए से नीचे देखने को मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्राइस की बात करूं तो आज की तारीख में 954 रुपए का है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ओपन कर लेते हैं अब दूसरे प्रोडक्ट को, जो है एक यूएसबी 2.0 गेमिंग स्पीकर्स। और भाई इसकी तो डेफिनेटली सख्त जरूरत है क्योंकि आजकल जितने भी लैपटॉप्स आते हैं ना सब में साउंड क्वालिटी इतनी एवरेज या बिलो एवरेज देखने को मिलती है कि अगर नेटफ्लिक्स वगैरह या अमेजोन प्राइम या यूट्यूब के वीडियोज भी देखने हैं, इवन गेमिंग आपको करनी है तो साथ में एक ठीक ठाक स्पीकर्स आपके पास होने ही चाहिए। और इनको हम गेमिंग स्पीकर्स क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको ये फुल RGB LED लाइट का शोशा देखने को मिलता है। 7 different colors आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और भाई केबल की अगर बात करूँ तो 1 meter से भी थोड़ी सी ज्यादा लंबी केबल आपको देखने को मिलेगी तो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप दोनों के अंदर ही आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात मुझे ये लगी कि कोई अलग से पावर सप्लाई देने की जरूरत नहीं, USB पोर्ट के थ्रू आप यहाँ पर पावर सप्लाई दे सकते हैं। 3.5mm का जैक भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं 900 रुपए से नीचे के प्राइस टैग पे आपको ये देखने को मिलते हैं और साउंड क्वालिटी ऑनेस्टली यार काफी सही है, मतलब आपको अच्छी खासी बेस भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी प्राइस टैग के हिसाब से। और सेंटर में आपको वॉल्यूम अप डाउन का रॉकर देखने को मिलेगा तो मैन्युअली भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगले प्रोडक्ट की बात करें तो ये है विनर प्रो RGB कूलिंग पैड। और भाई ये प्रोडक्ट तो आपको ले ही लेना चाहिए क्योंकि ये आपके ना सिर्फ लैपटॉप को सपोर्ट करता है बल्कि आपके नेक को भी सपोर्ट करता है जब आप टाइपिंग या लैपटॉप के ऊपर कोई काम कर रहे होते हो। ये एक USB पावर्ड लैपटॉप स्टैंड है जिसमें आपको 2 USB 2.0 के पोर्ट देखने को मिलेंगे। 7 अलग अलग एडजस्टेबल पोजिशनिंग आपको देखने को मिल जाती है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। और भाई इसमें टोटल 6 फैन का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है जिसमें 3 इनलेट है और 3 एग्जॉस्ट फैन है। बिल्ड की बात करूं तो सिर्फ प्लास्टिक की बिल्ड नहीं है, यहाँ पर आपको आयरन मिक्स भी देखने को मिलेगा तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी स्ट्रांग निकल के आती है। और इस कूलिंग पैड के ऊपर आप 10 इंच से लेके 19 इंच तक के सारे लैपटॉप्स को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिशनल फीचर की बात करूं तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन का स्टैंड भी मिलेगा तो लैपटॉप के साथ साथ स्मार्टफोन का स्टैंड आपको मुफ्त में मिल रहा है। और भाई अगर आप गेमिंग एंथुजियास्ट हैं तो यहाँ पर आपको 10 अलग अलग RGB मोड्स देखने को मिलेंगे तो भयंकर गेमिंग वाला फील आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। और इस पे आपको 1 साल की वारंटी भी देखने को मिलेगी। बाकी फैन की स्पीड को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम लाइट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और गर्मी जिस हिसाब से आज की तारीख में बढ़ रही है ना, डेफिनेटली ये कूलिंग पैड लगाने से आपके लैपटॉप की लाइफ भी थोड़ी बहुत इंक्रीज ही होने वाली है। ये कूलिंग पैड था मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिवाइस। और अब बढ़ते हैं आगे वायरलेस कीबोर्ड माउस के कॉम्बो की तरफ। और आपने अभी तक अगर गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। नीचे आपको सिर्फ एक अच्छा सा कमेंट लिखना है, डिटेल में बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपको चाहिए और क्यों चाहिए। बस डिटेल में लिखना, आपको कोई सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है चैनल को, कोई वीडियो को लाइक वाइक की कोई चीज़ नहीं है। कॉमेंट के अंदर से ही मैं रेंडमली एक कॉमेंट को पिक करने वाला हूँ हर एक डिवाइस के लिए और 4 या 5 लकी विनर जो है जितने डिवाइस मेरे पास है वो निकल के आएंगे। कॉम्बो पैक की बात करूं तो ये 2.4 GHz का वायरलेस कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है। 20 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट लैपकेयर ब्रांड के आज की तारीख में सोल्ड आउट हो चुके हैं। और एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि इस कॉम्बो पैक के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिलने वाली है। और भाई आज की तारीख में तो 600-700 रुपये का सिर्फ एक वायरलेस माउस देखने को मिलता है, ऐसे में 1000 रुपये के आसपास में अगर आपको वायरलेस कीबोर्ड माउस दोनों का कॉम्बो मिल रहा है वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, डेफिनेटली एक स्टील डील है। फीचर्स की बात करूं तो 10 मीटर तक की रेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो चिकलेट कीज है जिसकी वजह से जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सही रह जाता है।
कीबोर्ड जो है वो फुल साइज का है, न्यूमेरिक कीपैड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और ये स्पिल प्रूफ है, अगर हल्की फुल्की पानी की इसके ऊपर छींटे पड़ते हैं तब भी कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। बॉटम में आपको यहाँ पर स्टैंड देखने को मिलेगा तो टाइपिंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहेगा। वहीं पर अगर मैं माउस की बात करूँ तो माउस में होने वाले सारे बटन आपको मिल जाएंगे, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, सेंटर में स्क्रोल बार, लिड को हटाने के बाद यूएसबी डोंगल लगाने का आपको स्लॉट देखने को मिलेगा, दो AAA पावर्ड बैटरी आपको यहां पर लगानी पड़ेगी और ऑन ऑफ का स्विच भी आपको पीछे ही देखने को मिल जाता है। बाकी ये माउस ऑप्टिकल सेंसर बेस्ड है और कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो दोनों ही डिवाइस विंडोज और मैक में ये इजिली कनेक्ट कर जाता है, कनेक्टिविटी के अंदर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और यहां पर एक अच्छी चीज देखने को मिली मुझे, हर एक बॉक्स के अंदर ई वेस्ट बाय बैक प्रोग्राम, तो अगर आप वापस करना चाहते हैं किसी चीज़ को तो उसके बदले आपको पॉइंट्स मिलते हैं लैपकेयर की तरफ से और आप दूसरे अलग से प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हैं। तो ये तो थे वो सारे प्रोडक्ट्स जो लैपकेयर ने हमारे पास भेजे और हम आपको देना चाहते हैं।